जय जय श्री राधे कृष्णा। डीवी भारती समाचार चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री, राजगढ़ झांसी। आइए जानते हैं आज बारह राशियों का फल। सबसे पहले मेष राशि वाले, आज आपके लिए कोई गुड लक शुभ सूचना अथवा किसी नए लोगों से मिलना हो सकता है, जो कि आपको नई ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है। आप श्री हनुमान जी की आराधना करें। यदि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो आपको चाहिए कि हनुमान अष्टक अथवा मूंगा रत्न एवं मछलियों के लिए आटा चुगने के लिए डालना। दूसरी राशि है वृख। वृख राशि वालों को आपका भाग्य का उदय होगा। नए पद की प्राप्ति, राजनीतिक जैसे क्षेत्रों में सफलताएं आपको प्राप्त हो सकती हैं आज के दिन। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को यदि आप किसी पूर्व से किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं तो नए पद की प्राप्ति भी हो सकती है। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को भाग्य का उदय होगा, नए लोगों से मिलना होगा, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आपको आज के दिन स्वास्थ्य को लेकर कोई मानसिक तनाव बेचैनी हो सकती है अथवा आपको सचेत सतर्क रहने की विशेष आवश्यकता है। भगवान सूर्य को आप अर्घ दें। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को आपको आज के दिन भूमि वाद विवाद आपका चला रहा था सुलझ सकता है। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वालों को मानसिक तनाव बेचैनी आपकी घट सकती है अथवा कोई नया काम आपको प्राप्त हो सकता है। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आपको आज के दिन भाग्य का उदय होगा, नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण जैसे योग बन रहे हैं। नवम राशि है धनु। धनु राशि वालों को आज आप कोई भूमि भवन या कोई मकान का क्रय विक्रय कर सकते हो, कोई ब्याना दे सकते हो अथवा ले सकते हो। दसम राशि है मकर। मकर राशि वालों को भाग्य का उदय होगा, नए पद की प्राप्ति भी हो सकती है। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आपको आज के दिन कोई मशीनरी फैक्ट्री जैसे कार्य प्रारंभ कर सकते हो। बारहवीं राशि देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।